ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीआईयू टीम द्वारा पकड़ी 554 ग्राम चरस वर्ष 2019 में बिलासपुर पुलिस द्वारा पकड़ी जाने वाली सबसे बड़ी खेप है। सुरक्षा शाखा टीम ने शिमला धर्मशाला NH पर नमहोल ब्रह्मपुख के बीच गश्त के दौरान नाकल गाया हुआ था और HRTC की बस शिमला से बैजनाथ जा रही थी। जब पुलिस ने इसकी चेकिंग करी तो सीट नंबर 32 पर बैठे मनोज कुमार पुत्र शेर सिंह सदर जिला बिलासपुर के कब्जे से 554 ग्राम चरस बरामद की गई। बिलासपुर की सुरक्षा शाखा टीम ने शिमला धर्मशाला NH पर नमहोल ब्रह्मपुखर के बीच गश्त के दौरान नाका लगाया हुआ था। इस दौरान HRTC की बस शिमला से जो बैजनाथ जा रही थी, जब पुलिस ने इसकी चेकिंग की तो सीट नंबर 32 पर बैठे मनोज कुमार पुत्र शेर सिंह गांव करोट डाकघर डोबा तहसील सदर बिलासपुर के कब्जे से 554 ग्राम भांग चरस बरामद की गई। SIU की टीम द्वारा 554 ग्राम चरस वर्ष 2019 में बिलासपुर जिला द्वारा पकड़ी गई सबसे बड़ी खेप है। DSP संजय शर्मा ने बताया कि बिलासपुर पुलिस की SIU टीम ने इस साल चिट्टे व तस्करों के काम पर पैनी नजर रखी हुई थी और उनकी कमर तोड़ दी है। उन्होंने बताया कि पिछले साल की भांति इस वर्ष नशे के खिलाफ भारी मात्रा में लोग सामान सहित पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे को जिला बिलासपुर से खत्म किया जा रहा है और बिलासपुर जिला को नशा मुक्त बनाया जाएगा। पिछले कल दिनांक 24 जून को हमारी जो SIU की टीम है, उन्होंने पंजोग के पास जो है वो एक नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान जो है वो बैजनाथ डिपो की HRTC की बस जो नमहोल से टूअर्स ब्रह्मपुखर आ रही थी, उसको जो है वो जब चेकिंग के लिए रोका तो बस में मौजूद एक व्यक्ति पुलिस पार्टी को देख के जो है वो घबरा गया और उसने जो है वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक कैरी बैग उसको जो है वो नीचे अपने पांव के पास गिरा दिया। जब उसको चेक किया गया तो उसमें जो है वो करीब 554 ग्राम जो है वो चरस जो है वो पाई गई। तो इस सिलसिला में जो है वो यह व्यक्ति जो यहाँ डोबा का रहने वाला है उसको जो है वो गिरफ्तार किया गया है और जिसे जो है वो आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस जो है वो उसका पुलिस रिमांड प्राप्त करेगी और ताकि पता चल सके कि चरस वो कहाँ से लाया था और इस चरस के मामले में उसके साथ और कौन साथी हैं। पुलिस पूरी तत्परता से जो है वो इस केस की छानबीन करेगी। अभी तक इस साल भी पुलिस ने जो है वो काफ़ी मात्रा में चिट्टा और चर्स जो है वो अन्य नशीले पदार्थ जो है वो बरामद किए हैं और हमारा अभियान ये तब तक जारी रहेगा जब तक जो है वो जिला बिलासपुर जो है वो नशा मुक्त ना हो जाए।